और दुकान वालों की हालत तो कर दिया है खराब, और पी रहे हैं लोग आज शराब। मगर ये पत्ते वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके साथ एक चटनी आई है वो है ग्रीन वाली। तो वैसे नहीं पता तो चलो पता लगाते हैं, आइए मेरे साथ, इसके ज़रा पीछे से एक देते हैं। सो गुड मॉर्निंग इंडिया, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एलेक्स पाक, आप लोग के साथ फिर से, और निकलेंगे आज थोड़ी देर में घर से। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा ऑसम होंगे एंड थोड़ा सा खुश भी होंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि पहले हम दोस्तों के साथ थोड़ी कॉमेडी करेंगे और थोड़ा सब लोगों से मजाक करेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा घूमने के लिए जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सो जाएंगे, फिर सोने के बाद उड़ेंगे और शाम को फिर और कुछ खा के आएंगे। तो आज का दिन खाने 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 में ही निकलेगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ करने वाले हैं क्रेजी फन, मतलब छत का रास्ता घर से ही है मगर हम किसी दूसरी साइड से होते हुए जाएंगे, और चढ़ूंगा मैं इस साइड से एडवेंचर करते हुए हल्का सा, और चढ़ूंगा मैं इस साइड से ऊपर को, और थोड़ा सा फंकी बना, थोड़ा सा एडवेंचर बना होना चाहिए। तो चलते हैं, जल्दी से चढ़ते हैं। आ चुके हम लोग छत में, और आज काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, और मेरे ख्याल से अब गर्मी होना स्टार्ट हो चुकी है, और अब धीरे धीरे, अभी तीन आए तो पहले फिर दो आएंगे, फिर एक आएगा, फिर शायद कुछ भी ना हो तो थोड़ा धूप का एंजॉय लेते हैं और थोड़ी सी धूप सेकते हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ एक्टिंग तो करके दिखाओ, कुछ एक्टिंग तो करके दिखाओ, कोई डायलॉग हो जाए। कपड़े पहन लो क्या? करो कुछ, करो कुछ, करो ना एक्टिंग में, डांस करो, डांस डांस करो, डांस। हाँ, नाच मेरी नारी रात मेरी। अरे यार हाथ में चोट लगी है आपके, चलो कोई नहीं, बाय कर दो फिर। या 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 या। कुछ करो ना, कुछ करो यार तुम भी यार, चलो बाय तो कर दो फिर, बाय बाय। और यहाँ पे खिंचाई जा रही है फोटोज, और ये हैं लाए हैं बेसबॉल का डंडा, मारने के लिए नहीं सिर्फ फोटो खींचने के लिए लाए हैं, टेंशन मत लो आप, डरो मत बिल्कुल भी। और यहाँ पे काकू भाई देखिए, लड़कियों को देखने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और ये है मेरे हाथ में बेसबॉल का डंडा। अब आपको पता ही है कि इस बेसबॉल डंडे से हम क्या करने वाले हैं, वैसे नहीं पता तो चलो पता लगाते हैं, आइए मेरे साथ, इसके ज़रा पीछे से एक देते हैं। हेलो हेलो भाई, हेलो, क्या हाल है बच्चों? और अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने जाना है रुद्रपुर वाली रोड पे, और वंस पाई हैं, हैकर हैं एंड मैं हूँ, और चलते हैं थोड़ा उस रोड को। एक बार फिर से हमारे साथ है भोले बाबा, तो एक बार बोलो हर हर महादेव। वैसे आप लोग मुझसे कह रहे थे कि कभी भी तू नीचे घूमने नहीं जाता, जब भी जाता है ऊपर को जाता है, तो आज थोड़ा नीचे की तरफ को भी घूमने चले जाते हैं। और यह है कलवा खाता है हलवा। मास्क लाना भूल गया था, तो मेरे जो सर का पट्टा था मैंने अपने मुंह में लगा लिया। काम चलाना पड़ता है कभी कभी दोस्तों। ऊपर इतना ठंडा नहीं है लेकिन नीचे बहुत ज्यादा ठंडा है, और बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है नीचे, और ठंड तो पूछे ही मत, बहुत तेज हो रही है। और अभी हम लोग हैं तीन पानी से थोड़ा सा ऊपर, और बड़ी मंडी हमने क्रॉस कर दिया है, और काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, मौसम कभी भी कैसा भी हो सकता है। ऊपर का मौसम तो इतना गर्म गर्म है लेकिन नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अब भूख जैसे लग गई, यहाँ पे कुछ खाने को दिख भी नहीं रहा है। ओ क्या खाएं क्या खाएं, अरे एक जलेबी और समोसे की दुकान है, समोसा खा के आते हैं। भैया जी बना रहे हैं समोसे और हम खाएंगे। भैया समोसा कितने लगाए? और एक आठ रुपये का। और ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा,
एक समोसा इधर खाओगे? हाँ खाना ही। आगे त्रिभुजाकार समुद्रदास का क्या करते हैं आप? जो गोल मोटर हो जाते हैं अंदर जाके गर्म हो जाते हैं, बाहर ठंडे निकलते हैं। क्या समोसे में आलू के साथ और कुछ और भी मिला हुआ है? क्या इसमें आपका प्यार स्नेह और सारा पैसा मिला हुआ है? क्या मिला है इसके अंदर? अरे हाँ ये हमारे खाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताएंगे समोसे में क्या मिला हुआ है। आज हमने बड़े भाई के हाथों के समोसे खाए, ये तो आपने कहा है शायद ही कभी ऐसा समोसा कहीं मिलता होगा। हम अपने बड़े भाई को बड़ा धन्यवाद अदा करते हैं, उन्होंने हमें ये टेस्ट दिया खाने को। दूर संचार यंत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे समोसा खाया जा रहा है, कैसे समोसे का सदुपयोग किया जा रहा है, पेट में डालते इसका जो पूरा पेट भरा जा रहा है। ये रहा भैया का समोसा, और भैया ने जो स्टाइल दिया है मतलब काफ़ी ओल्ड स्टाइल दिया है। मतलब पहले जब हम टिक्की और समोसा खाने आते थे तो वहाँ पत्ते में ही मिलता था, लेकिन अब जो प्लेटें मिलती हैं वो डिस्पोजल प्लेटें मिलती हैं, कागज की होती हैं। मगर ये पत्ते वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके साथ एक चटनी आई है, वो है ग्रीन वाली, तो मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। आलू तो आए नहीं, काफ़ी अच्छा बनाया है। चटनी के साथ इसका मज़ा और दुगना आता है। आज अमन भाई गाड़ी चलाते हुए गाड़ी उठा रहे हैं, देख लो क्या ये उठावाएंगे गाड़ी, क्या लगता है आपको? देखते हैं अभी चला ली, इन्हें मोड़ लिया, बहुत बढ़िया अमन मेरे भाई, मोड़ लिया अमन मेरे भाई ने, बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेस। यार ये जाम में बड़ी देर से फंसे हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है और आधे घंटे से फंसे हैं। आज ज़्यादा नहीं घूमने गए, बस हल्का सा घूमने गए थे ऐसी। और अभी हम लोग आ चुके हैं घर के रास्ते वापस, और वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। आज दिन के 3 बजे ही मैं घर में वापस आ गया था, हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे घूमने तो, और भूख जैसे लग गई है, थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं, फिर थोड़ा सो जाते हैं और शाम को उठते हैं और फिर जाएंगे कहीं और कुछ और खा के आएंगे। और अभी हम चलते हैं, थोड़ा भूख जैसे लग गई तो मोमो खा के आते हैं, और घर वाले के मोमो लेके भी आते हैं। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि फास्ट फूड नहीं खाया है। इस बार मैं स्कूटी को भी ले आ रहा हूँ, एलेक्सा को ले आ रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। वेज मोमोज हम यहाँ से पैक करवाएंगे क्योंकि वेज मोमो यहाँ के ज़्यादा अच्छे होते हैं, और दी को भी यहीं के पसंद है। नॉन वेज मोमो हम कहीं और से लेंगे, और नॉन वेज मोमो मैं यहाँ से पैक करवाऊँगा, यहाँ के ज़्यादा टेस्टी होते हैं और खाऊँगा भी यहीं के। मैंने लगवाए हैं 20 रुपये के मोमोज और सूप लगवाया है, दोनों को साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं हर जगह का आपको टेस्ट बता देता हूँ, यहाँ का भी टेस्ट बताऊँगा। पहले खाते हैं मोमोस। हर बार की तरह अच्छा, और बार खाऊंगा। मुझे आ गया, ठंडा हो रहा है, मैंने सोचा सूप भी पी लेते हैं। अब सूप पी के बताता हूँ वो कैसा हो रहा है। सूप भी टेस्टी है, सब एकदम बढ़िया हो रहा, मज़ा आ गया आगे। मोमोस और मैंने सूप पी लिया है, और ये नॉन वेज मोमो मैंने पैक करा लिए हैं, एंड वेज मोमो भी लेके आते हैं, ये है शॉप। और इसमें मैंने वेज भी डलवा लिए क्योंकि दो दो पॉली कहाँ से पकड़ता। कॉस्मेटिक की दुकान में आना, और वहाँ से भी एक लैमिनेशन पेपर लेना है, और वहाँ से एक गिफ्ट पैक वाली पन्नी लेनी है। कॉस्मेटिक की दुकान में भेज दिया और फिर कह रही है रहने मत ले गया। वाह वाह, ये होता है लड़कियों का दिमाग, वाह ये होता है लड़कियों का दिमाग, पहले कहती है लाओ फिर कहती है मत लाओ। यार खाली भेज दिया मुझे। आ गए घर में और देते हैं उनको मोमोस। ये बिल्ली क्यों हो गई पहले? ये ऊपर वाला वेज है ठीक है, नीचे वाला नॉन वेज है। हेलो गाइस, हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है आपके? हेलो गाइस, आज हल्द्वानी में बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, उसकी लाइट लगन में आ रही है पर वो इंसान दिख भी नहीं रहा। ओके बाय 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 बाय, चलो कल को मिलते हैं। ओके ओके भाई, ओ भाई क्या ही कोहरा आया है आज हल्द्वानी में, देखने लायक है। इस बार का जाड़ा जब सा है तब से मैंने इतना कोहरा बिल्कुल भी नहीं देखा, और आज पहली बार मैं इतना कोहरा देख रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ गया है हल्द्वानी में। रात को दिन में तो कोई कह नहीं सकता था कि इतना
इतना ज्यादा कोहरा जाएगा रात को, और दिन में तक अच्छी खासी धूप निकल रही थी, रात को आया मौसम में एक खतरनाक बदलाव। और देखिए कोहरे ने ढका है पूरे हल्द्वानी को और इन बेचारे टेम्पू वालों को, और दुकान वालों की हालत तो कर दिया है खराब, और पी रहे हैं लोग आज शराब। तो आ चुके हैं अब घर में, अब हम खाते हैं खाना, थोड़ी भूख जैसे लग गई है, और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा 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 हो रहा है, और बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है बाहर, मतलब इतना फॉग मैंने अभी तक नहीं देखा, तो फॉग आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज यही करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, गर्मा गर्म खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो करें सब्सक्राइब एंड देखते रहिए रोज सुबह एलेक्स पार्कर ब्लॉग्स को। बाय बाय।